करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था, ऐसा दिख रहा है। संजय निरुपम जिन्होंने एक बड़ी बात कही है, उनका कहना है कि फैसला अदालत को नहीं, फैसला बीजेपी को करना है। कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं अदालत पर संजय निरुपम ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र से मुंबई से यहां पहुंचे हुए हैं सूरत में। जी बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कुमार विक्रांत, लेकिन अब कांग्रेस तो ये कह रही है, बीजेपी दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया इस पूरी घटना को लेकर कि राहुल गांधी का सूरत जाना एक वकील के जरिए भी अपील की जा सकती थी। और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल की अर्जी पर सुनवाई शुरू हो गई है, प्रोसीडिंग शुरू हो गई, कार्यवाही शुरू हो चुकी है। कुमार विक्रांत, कुमार प्रोसीडिंग शुरू हो गई है अदालत की? तो मुझे लगता है कि कुमार विक्रांत से संपर्क टूटा, हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने की, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी अगर इस तरह से कर रहे हैं तो वो न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया कि अगर राहुल गांधी कोर्ट में पेश होते हैं तो न्यायपालिका पर दबाव बनाना कैसे हुआ। ये लगातार वार पलटवार हो रहा है, लेकिन ये बड़ी घटना है, प्रोसीडिंग शुरू हो गई है अदालत की। राहुल गांधी ने उन मानहानि केस में जो फैसला आया अदालत का 2 साल की सज़ा का, कन्विक्टेड है राहुल गांधी, और उसी के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील की गई है, जिसकी सुनवाई कुमार शुरू हो चुकी है। कुमार अगर आप सुन पा रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है एक बार जरूर बताइए विस्तार से। कुमार से लगता है संपर्क टूटा है, जाने नहीं दे रही है, लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, बैरिकेड कर दिया है और तमाम नेता यहाँ बाहर मौजूद हैं। रुकिए कुमार, बड़ी खबर बता दें कि सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, राहत मिल गई है राहुल गांधी को सेशंस कोर्ट से। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से भी राहत मिली जमानत की, उसी दिन जिस दिन फैसला सुनाया गया उसी दिन जमानत भी मिल गई, और आज जब अपील की गई है तो राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। सचिन के पास चलते हैं। सचिन जी बताइए, राहुल गांधी के लिए राहत है? देखिए यहाँ पर अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ पर अभी तक वैसी कोई अपडेट्स हमारे पास तो नहीं आई है, लेकिन राहुल गांधी अंदर गए हैं क्योंकि किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कि जो जमानत की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इसमें कंप्लीट होनी थी, और साथ ही साथ ये जो पूरा केस है इस केस में अगली सुनवाई जो है वो कोर्ट देने वाली थी, और इसमें अभी तक इस बारे में कंफर्मेशन सामने नहीं आ रही है कि 13 अप्रैल है या 3 मई की तारीख है जो इसके लिए मुकर्रर की गई है नेक्स्ट हियरिंग के लिए। तो अब अगर हम लोग देखें इसमें, सचिन अगर कोई वकील वहां पर मौजूद है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। देखिए बेल ग्रांटेड की खबर अभी मिल रही है और 13 अप्रैल को सुनवाई होनी है इस बात की खबर अभी मिल रही है, लेकिन इसमें अभी तक जब तक एडवोकेट नीचे नहीं आते हियरिंग में क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्या क्या बातें वहां पर हुई है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो सीआरपीसी की प्रोसेस है 389 की, उसमें 1, 2 या 3 के तहत जो जमानत है वो जमानत की प्रोसेस होनी थी जी, जो एप्लीकेशन की गई जो अपील डे फॉर ऑर्डर, ठीक है, तो अब इस मामले में 13 अप्रैल की तारीख दी गई होने की जो बात है वो बात सामने आ रही है। ठीक है, We'll be right back.